सारी चीज़ों से, फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। एक्चुअली डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी का जो बंधन होता है, पवित्र बंधन, आप उसमें बंधे हुए जी। तो पॉर्न्सपुर बहुत ही ऑसम प्लेस है, तो बताइए कि कैसा है आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि हम देख रहे हैं वो वीर सिंह बने हैं आप। हाँ, बताइए ये जो आपका एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, थोड़ा शॉर्ट एक्सपीरियंस था लेकिन मज़ा आया। फिक्शन है लेकिन हिस्ट्री में बेस्ड है, 18th सेंचुरी में बेस्ड है। मतलब सॉरी आई टेक दिस अगेन। मैं कुछ सोच रहा हूँ, व्हाट इज़ द राइट अप्रोच, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही छोटा था, मैं एक दिन शूट किया है तो मैं सोच रहा हूँ बोलूँ क्या। वीर सिंह के बारे में बताइए, जो आपका कैरेक्टर है उसके बारे। वीर सिंह को लगता है कि औरतों को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज, उतना ही मतलब जो स्टेटस है उनका सोसाइटी में, वैसा ही मिलना चाहिए जैसा मर्दों का है। उनको भी अपनी लिए चीज़ें चूज़ करने का मौका मिलना चाहिए जो उस टाइम पे शायद नहीं मिलता था। तो बिकॉज ऐसा होता है कुछ कि उसकी वो वीर सिंह जिससे प्यार करता था उसे उससे छीन लिया जाता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी किसी और से करा दी जाती है। तो दैट्स वाई आई थिंक वीर सिंह चाहता है कि वो इनजस्टिस किसी और के साथ ना हो, इसीलिए वो उस कॉज के लिए लड़ रहा है। मेरी शूटिंग मिलन सर के साथ हुई है, और मेरी शूटिंग उसके अलावा किसी के साथ नहीं हुई। बट जैसा मैंने बताया, मेरा काफ़ी इस सीज़न में छोटा सा पार्ट है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी स्टोरी के लिए, स्टोरी को आगे ले जाने के लिए। इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ भी कहा था, क्योंकि मैं उतना मतलब उतना दिखूंगा नहीं इसमें, इस सीज़न में, लेकिन फिर भी कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। दैट वाज़ द रीज़न आई ऑप्टेड फॉर इट। और जैसा जहाँ तक शूटिंग का एक्सपीरियंस था, मैं इन सब स्टार्स को बचपन से देखता आया हूँ और इनके काम को आज तक सराहा है। अनु कपूर जी का मैं फ़ैन हूँ, और मिलन सोमन सर को मैंने इतना देखा है, मैम को इतना देखा है, बचपन से एक तरह से कह सकता हूँ। तो उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, वो बहुत बड़ी बात थी, अच्छा फील हुआ। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इस काबिल हूँ कि उनके साथ स्क्रीन शेयर कर सकूँ। लाइक आई फील हम्बल्ड बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी आई गॉट। और क्या, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। जब एक आप हिस्टोरिकल कर रहे हो या आप एक पीरियड ड्रामा कर रहे हो, पीरियड ड्रामा कहेंगे इसे, तो पीरियड ड्रामा में हमेशा आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, क्योंकि उस तरह का बोलचाल का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके कपड़े, सब कुछ अलग होता है, तो वो थोड़ा और चैलेंजिंग होता है। लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, जो हमारी टीम थी पूरी सेट पे, उनने हमारे लिए काफ़ी चीज़ों को कंफर्टेबल बनाया। मिलिंद जी की मैं बात करूँ, काफ़ी मचे हुए कलाकार माने जी, उनके साथ में जब आपकी स्क्रीन शेयर हुआ तो कैसा था उस दिन का एक्सपीरियंस? कुछ नर्वस थे आप मिलिंद जी के साथ? बिल्कुल, मैं थोड़ा नर्वस था, क्योंकि जैसा मैंने बताया बचपन से उनको देखता आया हूँ, तो वो काफ़ी मतलब इंस्पिरेशन है एक तरह से मेरे लिए, जैसी वो लाइफस्टाइल जीते हैं। ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जितने हेल्दी वो इस पॉइंट पे हैं, बहुत कम इंडियन एक्टर्स उतने हेल्दी और उतने फिट हैं और इतना डिसिप्लिन है उनकी लाइफ में, तो वो इंस्पिरेशन है मेरे लिए बिल्कुल। मैं भी हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊँ। तो उनके साथ काम जब सीन करना था, तो ऑफकोर्स मैं थोड़ा नर्वस ज़रूर था। जैसा कि वीर सिंह की मैं बात करूँ, आपने ये बताया कि वुमेन की रिस्पेक्ट पे जो है वो करता है, वो चाहता है कि वुमेन को हमारी सोसाइटी में समान दर्जा मिले। अभी भी हम अगर बात करें तो हमारे इंडियन सोसाइटी में वुमेन रिस्पेक्ट की बात होती है,
क्वालिटी मिलना चाहिए, समानता मिलनी चाहिए। कैसे देखते हैं आप जो कुछ कहना चाहेंगे आप प्रेजेंट टाइम में? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं हमेशा से इस बात से सहमत रहा हूँ कि हमारी कंट्री में ऑफ कोर्स उन्हें पूजा भी जाता है, उन्हें उतनी रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए हमेशा से। मतलब मुझे लगता है महाभारत में भी, जब हमने महाभारत शूट किया था उसमें भी इस कॉज को उठाया गया था कि सबसे बड़ा जो जुर्म होता है वो एक औरत को बेइज्जत करना ही होता है, उससे मतलब सबसे बड़ा क्राइम आप कह सकते हैं। और मैं यही समझता हूँ कि हर कोई रिस्पेक्ट और मतलब हर किसी को प्यार और रिस्पेक्ट ही चाहिए लाइफ में, और सब कोई इक्वली ट्रीट होना चाहते हैं। मतलब आप सबको इज्जत दो, सबको रिस्पेक्ट दो, देर विल बी इक्वालिटी इन द सोसाइटी। आई स्टैंड फॉर दैट कॉज। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि सबको बराबर मौका मिले लाइफ में। वीर सिंह के जब आप गेटअप में आते हैं, जब या फिर जैसे कि हमने आपको महाभारत में देखा, जब आप उस गेटअप में आते हैं या किसी भी इस इन सारी चीज़ों के गेटअप में आते हैं तो क्या फील करते हैं एंड कुछ कहना चाहेंगे आप जब भी आप किसी एक कैरेक्टर के गेटअप में आते हैं एंड फिर वो उस कैरेक्टर को निभाते हैं, कितना जीते हैं आप उस ऑरा में? जब कोई फिक्शनल कैरेक्टर होता है जैसे वीर सिंह, जो मतलब पेपर पे ही है सब कुछ, जो भी है पेपर पे ही है, वो लिखा गया है, जो फिक्शन है, जो मतलब आपको कहीं हिस्ट्री या माइथोलॉजी से नहीं है, जो फिक्शन है, वो आपके लिए थोड़ा आसान होता है क्योंकि वो आपके लिए एक ब्लैंक पेज होता है, आप उसको कैसा भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा और चैलेंजिंग होता है क्योंकि उस इंसान को लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है, लोगों ने उसके बारे में जाना है, तो वो इमेज ऑलरेडी एक होती है, उस इमेज को मतलब उस इमेज जैसा कुछ करना या उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना मुश्किल होता है। तो उसके लिए थोड़ी आई गेस ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको किसी की तरह जीना पड़ता है। मगर मुझे ऐसा लगा जब भी आप एक कैरेक्टर प्ले करते हो ना, आप अगर जी लो उस कैरेक्टर को, आप अगर किसी तरीके से अपने आप को ये बिलीव करा लो कि आप उस मोमेंट में वो कैरेक्टर ही हो, तभी आप उसको जस्टिस कर पाते हो, तभी आप उसको जी पाते हो, और मुझे लगता है कि तभी लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। अगर आप ऑनेस्टली उस कैरेक्टर को जियो तो जो ऑडियंस है वो भी आप में बिलीव करती है, आप जो भी कहते हो वो उनको ये नहीं लगता आप एक्टिंग कर रहे हो, उनको लगता है कि ये वो कैरेक्टर है, ये वही इंसान है। तो आई थिंक वही एम होता है हर बार, टू लिव द कैरेक्टर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कैरेक्टर को जीने की कोशिश करो। डिफरेंट ऐसे है कि आपको रोज टीवी में रोज अपने ऑडियंस को एंटरटेन करना होता है, हर रोज, जो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग है। आपको रोज टीवी पे वही ऑडियंस देखती है और वो बोर नहीं होनी चाहिए, है ना, मुझे लगता है वो चैलेंजिंग है। इंस्टेड ऑफ आपने 10-15 एपिसोड बनाए और टेलीकास्ट कर दिया, आप 1.5 साल तक अगर रोज़ एक ही शो कर रहे हैं और एक ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और ऑडियंस बोर नहीं हो रही है, इसका मतलब आपने कुछ अच्छा किया है, इज़ व्हाट आई फील। एंड आई थिंक लेकिन डिजिटल आपको ये एक अपॉर्चुनिटी देता है अच्छा कॉन्टेंट ऑडियंस तक पहुँचाने की। जैसे परशपुर हो गया, परशपुर इतना बड़ा शो है, इतना मतलब ग्रैंड स्केल पर इसको शूट किया गया है, तो ये वेब की वजह से ही प्लेटफॉर्म जो था हमारे पास, जो प्लेटफॉर्म है वेब का, उस पर उसकी वजह से ही हम दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएट होती हैं और अच्छी स्टोरीज़ और कही जा सकती हैं और इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ कही जा सकती हैं। और अब हम देखते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया है कि हमने लॉकडाउन में देखा जब सिनेमा घर लाइक कोविड की वजह से पूरी तरह से बंद था, तो जी और नेटफ्लिक्स इन सारे प्लेटफॉर्म पर, अमेजोन पर बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं, बहुत सारी जी जैसा कि आ रहा है। सो आने वाले दिनों में हम अब और भी देखेंगे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनकी जो इतनी तरह से एक तरह से जिनका करियर की अगर मैं बात करूँ फ्लॉप हो चुका था, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म रिवाइव किया आपने भी देखा होगा जी। सो
मेरा मानना यही है कि जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आए मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो टीवी हो या वेब हो या फिर मूवीज़ हो, मैं अच्छे काम को ना नहीं कहूँगा तो एक एक्टर आई गेस यही करना चाहेगा, और मेरे लिए कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं है कि मैं अब टीवी नहीं करूँगा या अब वो नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। जी 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 हाँ जी, कुछ बताना चाहिए कि ये कब तक आ जाएगा एंड कैसी चल रही है उसकी तैयारी, क्योंकि मूवी जो स्टार कास्ट है हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जी जी जी, वो मेरे लिए भी इसीलिए एक्साइटिंग था क्योंकि कुछ नया था, मैंने आज तक वैसा कुछ किया नहीं है। इट्स अ रैप सॉन्ग है और 24 दिसंबर को रिलीज हो रहा है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, और स्टार कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, और पलाश जो सिंगर है वो उसका सॉन्ग है पल म्यूज़िक पे आने वाला है, तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि रश्मि भी है उसमें और सना भी है, तो हमने कुछ थोड़ा अलग से डांस करने की भी कोशिश की है हिप हॉप स्टाइल में, तो होपफुली पीपल विल लाइक इट, लोगों को पसंद आएगा और गाना भी अच्छा है। बढ़ जाती है बिल्कुल। मुझे अभी भी याद है बिल्कुल ऑफ कोर्स, बिकॉज आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और ऐसा भी नहीं है कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, आपका 2 दिन का शूट 3 दिन का शूट मैक्सिमम होता है। और मुझे याद है अभी भी 15-20 साल पहले जब एल्बम्स का कल्चर था, जब म्यूजिक एल्बम्स आती थी और कितनी हिट होती थी, मतलब मुझे भी याद है हम वीडियोस टीवी पे देखते थे, कैसेट्स लेके आते थे, बहुत मज़ा आता था। वो पूरा मार्केट ख़त्म हो चुका था, बट व्हाट आई रियलाइज्ड अभी पिछले 3-4 सालों में हाँ वापस वो एल्बम्स का कल्चर वापस आ गया, वीडियोस बन रहे हैं और लोगों ने पसंद कर रहे हैं, तो आई थिंक ये एक अच्छा चेंज है। और म्यूज़िक तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, मतलब अच्छे सॉन्ग सुनना और अच्छा म्यूज़िक सुनना, तो डेफिनेटली आई थिंक आई वुड वांट टू बी पार्ट ऑफ मोर म्यूज़िक वीडियोस। जी कितना बड़ा दिन होने वाला है आपके लिए, मैं एक्साइटेड तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपने काम को लेके उतना एक्साइटेड नहीं होता जब उसका एंड रिजल्ट का ऐसा वेट हो किसी कुछ को, मैं व्हेन आई एम एक्साइटेड अबाउट इट इज़ व्हेन आई एम शूटिंग फॉर इट, मैं जब शूट कर रहा होता हूँ तब मैं एक्साइट होता हूँ, एक बार बन गया तो फिर मैं सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देता हूँ, वो जो भी होगा देखा जाएगा, बट एक नया रूप देखने को मिलेगा लोगों को, मेरा एक नया रूप देखने को मिलेगा लोगों को, उसके लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि उनका रिस्पॉन्स क्या आएगा, तो डेफिनेटली होपफुली लोगों को पसंद आएगा, और लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।